भोकानी, नवरक्षक एनिमल वेलफेयर ऑफिसर। सर ये आपको जानकारी कैसे मिली और कैसे क्या? ऐसा है, हमारे मतलब हमारे टीम के अंदर अपने जो मुखिया है जो अपने को इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, एक मोस्ट ऑफ कन्फर्म न्यूज़ भी होता है कभी कभी, मतलब कभी कभी वो सक्सेस भी नहीं होता है, तो इसलिए आज 4:30 के आसपास अपने को सूचना मिली कि 5 से 6 बजे के आसपास एक गौमांस भर के अपने को एक गाड़ी जाने वाली है, तो अपन ने मतलब फील्डिंग लगाने का चालू किया। कन्फर्म न्यूज़ नहीं था लेकिन आया था कि हो सकता है कि आज इन्फॉर्मेशन मिली उस अनुसार, तो अपने को वापस 5:55 को समझो 5:45 से 50 मिनट के आसपास वो गाड़ी पास हुई खाली, जो हमको गाड़ी का नंबर दिया गया था कि ये गाड़ी गौमांस भर के निकलेगी, तो अपन ने 5:27 के आसपास पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया क्योंकि कन्फर्म न्यूज़ हो गया ये गाड़ी अभी खाली यहाँ से गई है, तो कन्फर्म न्यूज़ होने के कारण हमने 5:57 को फ़ोन किया, लेकिन पुलिसों का कहना था कि उधर कुछ 2-3 मर्डर हो गए, हमारे पास पुलिस स्टाफ कम है तो आगे पीछे होएगा, तो हमने बोला वादा ने आप जल्द से जल्द आइए, लेकिन उस अरसे में के 6:10 के आसपास गाड़ी भर के वहाँ से निकला, तो निकला तो आगे हमने देखा गया है कि पीछा भी नहीं कर सकते तो छूट जाता है, ऐसे अभी तक कम से कम 8 से 10 गाड़ी छूट गई है, तो हमने बोला आज तो इनको छोड़ना नहीं है कि ये कंडीशन के अंदर भी इनका गौ मांस का तस्करी चालू है बिंदास, मतलब इनके लिए रूल्स रेगुलेशन नहीं है, बेफाम चालू है, रूल्स रेगुलेशन खाली दूसरे उनके लिए है, इनके लिए रूल्स रेगुलेशन नहीं है, ये माहौल के अंदर भी गाड़ी वापरते बिंदास गाड़ी वापरते और गौ मांस का मतलब गौ का कत्ल करके मांस बिक्री चालू है। इनके लोग मतलब कौन, हिंदू थे या फिर मुसलमान? नहीं, कसाई जो अच्छा हाँ 99% देखा जाए तो गौ मांस के अंदर तो आज तक हिंदू कसाई मैंने देखा नहीं है इतने सालों में, और मुस्लिम जो कसाई है हाँ वो अभी भी गौ मांस बिंदास गौ मांस और बैल का कटिंग करके तस्करी करते हैं। तो ये जो सूचना मिली तो उनके अंदर कितने लोग थे? उनके अंदर टोटल जो सूचना मिली थी शरीफ काजी करके और साजबान करके एक था, वो साहबान के साजबान नाम है उनका, वो FIR में लिखा गया और तीसरा एक ड्राइवर था, लेकिन गाड़ी के अंदर 2 जन बैठे थे, एक जन भाग गया, जैसे ही रुका एक जन गाड़ी छोड़ के भाग गया, इसलिए और कन्फर्म हुआ अगर लीगल रहता तो भागता नहीं, इसलिए और कन्फर्म हुआ कि भाई ये पक्का है। फिर गाड़ी में आप ने चेक किया तो गौ मांस हमारे हिसाब से वो गौ मांस ही है, भले वो लेबोरेटरी में जाए बाद में क्या होता है, बाकी हमारे हिसाब से जो उनको इन्फॉर्मेशन था वो गौ मांस का ही था। तो अभी वहाँ पे जो अरेस्ट किया गया और 2 जन को अरेस्ट किया गया है, एक जन फरार है, तो उसके ऊपर मतलब वो गाड़ी भी जब्त हुई है और उसके अंडरमीटिंग में भेजा गया है, और आगे का क्या विषय इसके बाद कुछ आगे और कुछ नहीं? हमें प्रशासन से ये कहना है कि पुलिस प्रशासन और यहाँ की सत्ताधारी प्रशासन से कि आज तक न तो हमें सपोर्ट मिला है, हाँ उल्टा हमारे पे कुछ ना कुछ एलिगेशन करके हमको अटकाते हैं, अगर पुलिस प्रशासन और जो अपने पॉलिटिकल प्रशासन है अगर एक काम करते तो हमें रोड पे उतरने का जरूरत ही नहीं था, अगर इनका काम ये बराबर से करते तो हमें उतरने का जरूरत ही नहीं, हम क्यों कोरोना के माहौल के अंदर हमारी मतलब रक्षा दाव पे लगा के हम गौ रक्षा करते और उसके बावजूद अपने को बोलते हैं कि मतलब तुम क्यों, अरे हम नहीं उतरेंगे तो गौ का रक्षा कौन करेगा, अगर पुलिस प्रशासन ही करता तो उसके पहले हम लोग ने जो 17 गाय पकड़ी खाने उड़े नाके पे, उसके बाद 3500 किलो मांस पकड़ा, उसके बाद 1 महीने से तस्करी चालू है, लेकिन हम लोग 4-5 टाइम फेल हो गए, कंटिन्यूस 1 महीने से हमारा उनके पे वॉच है, वो 4-5 टाइम हम फेल भी हो गए, एक टाइम भगवान की दया से हम सक्सेस हो गए।